नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मेरा भाईंदर, मेरे पीछे आप जो बस देख रहे हैं ये गुजरात की बस है जो पनवेल से निकलकर गुजरात जा रही थी परसों के रात में, जिसे काशीमेरा क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बस को अपने ताबे में ले लिया है और बस में बैठे हुए तमाम मुसाफिरों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का जो मालिक है और इसके अलावा जो बोरीवली की एक ट्रैवल्स कंपनी है, उस ट्रैवल्स कंपनी के मैनेजर को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। 2 दर्जन से ज़्यादा इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी बनाई है। नकली RT-PCR का पूरा मामला सामने आ रहा है। आइए हम जानते हैं क्या कहना है क्राइम ब्रांच के DCP महेश पाटिल का इस पूरे रैकेट के बारे में। ये कोरोना काल में गुजरात स्टेट ने एक नियम बनाया है, जो भी पैसेंजर्स महाराष्ट्र से आएंगे उनका RT-PCR टेस्ट उनको कंपलसरी किया है। तो जो पैसेंजर इधर से महाराष्ट्र से ट्रैवल्स में जाते हैं, तो ट्रैवल्स चलाने वाले कंपनी ने और जो एजेंसी ने उनको फोर्ज RT-PCR सर्टिफिकेट देते हैं, ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिला था। उस आधार पे हमने माहिती निकाला ऐसा और एक जो पवन ट्रैवल्स की जो गाड़ी थी वो फाउंटेन होटल के पास उसको इंटरसेप्शन किया। वो गाड़ी चेक करने के बाद ऐसा पता चला कि उसमें टोटल 32 पैसेंजर्स थे। आउट ऑफ 32 21 लोगों के पास एक बोगस RT-PCR टेस्ट के सर्टिफिकेट्स थे जो नील दिखाए गए थे। एक्चुअली उन लोगों ने कोई कभी टेस्ट नहीं किया है, कोई सर्टिफिकेट नहीं निकाला है, कोई स्वाब नहीं दिया है कभी। वो जो झूठे सर्टिफिकेट उनको दे के उनको बॉर्डर पास करने का काम ये लोग कर रहे थे। उनसे ज़्यादा पैसे ले रहे थे पैसेंजर लोगों से, और जो बाकी जो 12 पैसेंजर्स थे उनको भी आगे जाके वो देने वाले थे। इससे पहले हमने उनको ताबे में लिया है। कितने समय से नेक्सस चल रहा था सर? ये जो ट्रैवल्स जो एजेंसी चलाते हैं वो रैकेट चला रहे हैं। कम से कम जो उनके पास इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि 15-20 दिन से वो काम कर रहे थे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई इसमें अभी तक? 32 लोग अरेस्ट किए केस में, उनका तपास चालू है। और गिरफ्तारी होने की आशंका है कैसे? उसमें अभी जो लोग थे उधर ट्रैवल एजेंसी में जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं, जो सर्टिफिकेट बनाया है, जो ओनर है उसका, उसके इन्वॉल्वमेंट देख के उनके ऊपर भी कार्रवाई हम करेंगे। काशीमेरा क्राइम यूनिट के सूत्रों से हमें पता चला है कि जिस बस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो पनवेल से गुजरात की ओर जा रही थी, और जिन मुसाफिरों को पुलिस ने आरोपी बनाया है वो अलग अलग राज्य से थे। कोई पश्चिम बंगाल जाना चाहता था, कोई MP जाना चाहता था, कोई UP जाना चाहता था, उन्हें किसी भी तरह से महाराष्ट्र की बॉर्डर क्रॉस करनी थी, गुजरात जाना था। हालांकि जिस तरह से पुलिस ने इन सभी प्रवासियों को आरोपी बनाया है, उसी तरह से नीता ट्रैवल्स की जो एजेंसी है बोरीवली में, वहाँ पर बैठे मैनेजर को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है, जिसने इन सभी मुसाफिरों को RT-PCR का रिपोर्ट बना कर दिया था। नकली RT-PCR बनाने का एक्स्ट्रा ₹300 चार्ज भी इन मुसाफिरों से लिया गया था। थायरोकेयर, आईजेनेटिक, अपूर्वा, इस तरह की जो मशहूर लैब है, उन लैब की रिपोर्टें ये मैनेजर मुसाफिरों को दिया करता था। बहरहाल इस पूरे मामले में काशीमेरा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच में काशीमेरा पुलिस जुट गई है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड। मेरा भाईंदर, धन्यवाद।